अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फादर उलमा मुस्तफा जी साहब, खैरियत है सर? हाँ ठीक है। सुनिए सर, सुनी? जी हाँ। अच्छा, क्या नतीजा निकाला आपने कलीम हल्सी के बारे में? कलीम हल्सी का बयान है, उनको जो कुछ पढ़ा मैंने, दूसरा बयान था जी वो मौलाना असद के मुताले, मौलाना मुश्ताक कर्नाटक वाले का बयान था। अच्छा अच्छा। और मौलाना मंगलानी मिया के खिलाफ। हाँ 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 हाँ। और वही की वो अपने को बिरादे ताजी सरिया के यही संबंध मिलता है। तो उनका घरेलू मीटर है ये। जी जी सही फरमा, बिल्कुल। घर का मामला है, चचा भतीजे का जी जी झगड़ा है जी। हाँ, ये कलीम हंसी ने जो ये जबान दराजी करके कहा कि अब्दुल मन्नान रज़ा की खिलाफत खत्म हो चुकी, उनके जो मरीज थे दूसरे से हैं। हाँ, कहा है ये तो उसको दोष नहीं है क्या ना कलीम को? अब क्या हालात है उनके, क्यों ऐसा कहा? वो इस वजह से कहा कि उन्होंने थोड़ा अजहर मियां के बारे में बोल दिया। अजहर मियां के बारे में तो नहीं बोला था, ये बोला था कि नारे क्या है ताजु शरिया बार बार, मतलब इस पर से कहा था उन्होंने कि ताजु शरिया क्या लगा रखा है। किसने कहा था? ये अब्दुल मन्नान लगे साहब ने। अरे तो उनके घर ही की तो तारीफ हो रही थी। हाँ, लेकिन वो है कि ये इतना जिक्र अल्लाह रसूल का भी नहीं हो रहा जितना अजहर मियां का हो रहा है, और इस वजह से आदमी थोड़ा बौखला रहे हैं। सुननी भी क्या, ये क्या तमाशा हो रहा है? अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र ज्यादा करो, ये लोग कर रहे हैं अजहर मियां बस्ती बस्ती करिया करिया। मतलब अल्लाह रसूल का जिक्र तो करते ही ये लोग, देखिए इतना कहाँ हो रहा है। अल्लाह का फरमाना मेरा जिक्र ज्यादा करो, या जिक्र कसीदा बहुत ज्यादा करो। लेकिन अब अल्लाह रसूल का जिक्र एक साइड हो गया, गरीमिया और आला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र अब लोग कम कर रहे हैं। इमाम बाकर का तो नाम भी नहीं लेते साहब जुम्मे में लोग, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम काजिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नकी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये इन इमामों को तो समझ रखा है। और हमारे बरेलवी ने कि ये तो शिया लोगों का मामला है, इनका शिया लोग मानते हैं इनको। नहीं नहीं, हम लोग मानते हैं शिया जवा नहीं। ये तो ये इन्होंने तो ये कभी जलसे ही नहीं कराते इनके नाम का, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम जैनाबदीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम। अरे इनके बारे में तकरीरें होती है? नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं सुना, एक घंटे की तकरीर नहीं सुनी कभी मैंने इमाम जैनाबदीन के बारे में, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम किसी की भी। आप बतला दें कि एक घंटा मुसलसल से तकरीर की हूँ तो? किसी भी आलिम ने, अगर हिंदुस्तान में उलमा बरेलवी में से किसी ने भी इमाम जैनाबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम काजिम के नाम की फजीलत में अगर एक घंटे भी मुसलसल तकरीर की हो, तो आला हजरत के बारे में तो पूरी पूरी रात तकरीर होती है। अजहर मियां के बारे में, आला हजरत के बारे में, मुफ्ती अलहिंद के बारे में, ये बात लोगों के हजम नहीं हो रही कि क्या मामला है। जो असल थे उनको तो लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अरे कलमे वाली हदीस जो है वो इन इमामों ही से मंसूब है, उनका तो बहुत तस्करा है जी। कौन सी? इन लोगों का छोटा तस्करा, इनका तो बड़ा तस्करा है कलमे वाली हदीस। हाँ, लेकिन हजरत आपने भी कहीं इमाम जैद आदमी के नाम का जश्न सुना हिंदुस्तान में? उलमाए बरेली ने किया या इमाम बाकर, इमाम जाफर, पूरे हिंदुस्तान में आज तक कहीं हुआ? तो कराइए आप, क्या तो कराऊंगा साहब, मैं तो
جشن جلدی سے امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین کے نام کو کراؤں گا انشاءاللہ. ہاں تو انشاءاللہ اس سے تقریر ہوگی. ہاں جشن عباس علمدار بھی کرانا ہمیں. ہاں بالکل صحیح ہے. جشن حضرت عباس علمدار، ان کا تو یہ نام بھی نہیں لیتے علماء بریلوی، بہت کم کبھی کبھار. نہیں محرم کی تقریروں میں ان کا نام آتا ہے. سر حضرت محرم میں ہی آتا ہے، اس کے علاوہ تو یہ 11 مہینے نام بھی نہیں لیتے تھے. اور مسلسل تو وہ جیسے بدر، چودہ بدر کا کہیں جلسہ ہے رامپور کے کوٹا میں رہتے ہیں ساری جڑا میں، تو کیا ہم ان کی یہ بات مان، اگر یہ کہیں تو یہ بات مان لے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام جعفر، امام باقر سے بھی زیادہ علم تھا؟ بالکل یہ ایسا کہنے والا تو گمراہ ہے نا حضرت. غلط کہا انہوں نے، ایک دم جھوٹ کہا. امام اعظم فرماتے ہیں لولا فلتا لحلت اللومان، اگر امام جعفر صادق کا 2 سال مجھ کو صحبت میں کرنا ہوتی تو لومان ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے امام جعفر کا علم. یہ آپ نے بتایا، ورنہ یہ عالم بتاتے نہیں ہیں اس طرح سے تقریروں میں، جمعے میں. نہیں ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، سچائی آپ تو فرماتے ہیں، لیکن اگر آپ جیسے عالم کم ہیں ہندوستان میں. یہ تو جو آپ نے بتایا علم امام جعفر کے بارے میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما، بتائیے آپ. اب ان کا تو حدیث کی روایتوں میں نام ہے، قال الامام علی رضا حدثني، قال الامام علی رضا حدثني ابی موسی الکاظم عن نبی جعفر عن صادق عن نبی محمد عن الباقر عن نبی زین العابدین عن نبی حسین ابن علی عن نبی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم قال حدثني حبیبی قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال سمعت رب العزه يقول لا اله الا الله اسمي، ومن قالها دخل اسمي، ومن دخل اسمي امن من اغوابي. کلمے والی روایت انہیں سے چلی. سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ، آپ نے تو پوری روایت ہی پڑھ دی. جی تو یہ بہت بڑی روایت آپ نے پڑھی ماشاء اللہ. یہ حضرت آپ کو تو بہت ساری حدیثیں زبان یاد ہیں. حضرت ایک حدیث شریف میں سنا دوں آپ اجازت دیں تو؟ ہاں نہیں بالکل سنائیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری عن شریک بن عبداللہ ابن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهر عليهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبتك فقال إني سائلك لمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصلي الصلاه الخمسه في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصوم هذا الشهر نفسنا قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا زمام ابن صلابه اخو بني سعد بن بكر رواه مسلم وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں کوئی پڑھنے میں تو نہیں ہوئی زیر زبر؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اپنے جڑے اور بھی یاد ہیں، بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ، ابھی تو تذکرہ کر لیتے ہیں. تو یہ کلیم حنفی کا ہے، بیچ میں ٹانگ اڑا کر یہ کہنا کہ مفتی عبد المنان صاحب کی خلافتیں ختم ہو گئیں، ان کے جو مرید ہیں کسی دوسرے سے مرید ہوں، تو اس کو یہ زیبہ دیتا ہے؟
हजरत ये अब उनकी तहकीक में क्या है, मैं तहकीक से तहकीक में अरे हजरत कोई माफी छोड़ी है, तो क्या करता है नहीं, नहीं, ये उनकी क्यों उन्होंने कहा है मुलाकात करनी चाहिए इस बात पे कहा है कि उन्होंने कहा कि अफजल रहा साहब का काजी बनना सही नहीं है और ये इन्हें काजी पद से इस्तीफा देना चाहिए, इस लायक नहीं है। और ये कहा कि सनद दिखाए अपने आलिम होने की, कहा है सनद, और इनको काजी बनाया जिन्होंने वो भी वो उन्होंने भी गलत किया, यानी अजहरी मियां के बारे में कहा कि उन्होंने भी गलती की, क्यों काजी बनाया, उन्होंने कहा बनाया, किसने बनाया, सही बात है अजहरी साहब ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया काजी, उनके हयात के बाद में वो काजी हुए है। अच्छा, हयात के बाद हुए हैं, हाँ सही है, वो झूठ बोल रहा था कि तमाम आलिमों ने बनाया, हाँ तो हाँ, तमाम आलिमों ने बनाया ये सही है, नहीं तमाम आलिम कौन से हैं, अगर ये तो आजकल नए दौर के आलिम होंगे, असल में पहले अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब के बारे में था कि उनको काजी बनाया जाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ आपने सही फरमाया, तो अल्लामा जियाउल मुस्तफा साहब ने कहा कि मेरे ऊपर आले सुन्नत उल जमात का इत्तेफाक शायद न हो पाए, लिहाजा बिल्कुल नहीं बना दिया, कैसे इत्तेफाक होगा जिन्होंने मुफ्ती आजम महाराष्ट्र को काफिर करार दे दिया बिला वजह, मुफ्ती गुलाम को, इसलिए उनको बनाया गया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि मेरे बारे में इत्तेफाक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। हाँ तो एक आप तो जानते होंगे मुफ्ती आजम महाराष्ट्र कोई मामूली हस्ती तो थे नहीं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े मुफ्ती, और जो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब को मैं जानता हूँ, मुफ्ती आजम से मुरीद थे, आपने अहले सुन्नत के सुतून थे ना साहब, तो हाँ बड़े आलिम थे, बड़े आलिम थे, और उनको हम लोग दुआए मगफरत तो कर सकते ना यहाँ से, सवाब ईसाले सवाब दुआए मगफरत हमारे मुझे कोई कुल सरल हुआ है तो हमें मालूम नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो सब बना दिया उन्होंने प्रोपेगेंडा रस्सी का सांप। अच्छा, वो कासिम जो दुर्गा पूजा करता था कासिम पठान, उसको मोमिन बना दिया और मुफ्ती आजम महाराष्ट्र को काफिर बना दिया, ये मुहद्दिस कबीर साहब ने और इनके मुआसिर जो थे उन्होंने, नहीं उन्होंने कासिम नहीं बनाया है, ये तो कहा ना कि मुझे जी नहीं काफिर नहीं कहा है, क्या कहा, अब वो बहस की थी, उन्होंने कासिम पठान को काफिर कहा है तो उसका सबूत दे, और एक जब उसने तौबा कर लिया जी तो उसकी तकसीर नहीं होनी चाहिए, उन्होंने तकसीर थोड़ी की थी, वो उन्होंने जो तकसीर की है इस बात से की है कि इसने अहले ऐलान तौबा नहीं की कासिम पठान ने दुर्गा पूजा करने से, ऐसा हुआ कासिम पठान का जनाजा जिसने पढ़ा था उसको सजदे ईमान करवाया था उन्होंने, वो सही करवाया था क्योंकि वो पश्चिमी नूरी जो है वो तो चालबाज आदमी है, उसके बारे में जी वो है चालू आदमी, हाँ उसने तो ये सब प्रोपेगंडा रचा, लेकिन एक मोहताज मुफ्ती का क्या वो तरीका एक कार होना चाहिए कि पूरी तहकीक पर तहकीक ना हो जाए जब तक, हाँ बिल्कुल सही है, तहकीक पूरी होनी चाहिए, अब मैंने पढ़ा मुफ्ती जहाद्दीन अमजदी साहब का वाकया खुतबा के मुहर्रम में है आखिरी में, कहा एक शख्स ने आकर मुझे तहकीक करी कि ये बंदा देवबंदी है और इससे तलाक करवा दें आप, ये तलाक का मामला था कोई, तो आपने तहकीक के लिए दो आदमी भेजे, उन्होंने भी आकर खबर दी कि हाँ हजरत देवबंदी, फिर दूसरे को आपने भेजा कि तुम तहकीक करो, कहा कि हाँ हजरत देवबंदी, तो मुफ्ती जहाद्दीन अमजदी साहब कहते हैं कि इन दोनों की बातों को भी मैंने नहीं माना जबकि दोनों मोतबर थे और सच्चे थे, कहा मैंने खुद फिर अपनी जात से तहकीक की तो मामला बरक था, कोई जाती मामला था जिसके इरादे से देवबंदी बनाया जा रहा था वो सुन्नी, ये खुतबा के मुहर्रम में लिखा है। अच्छा, यानी कहा दो तहकीक के बावजूद मामला बरक से निकला, उसके खिलाफ प्रोपेगंडा था, देखिए ये मुफ्ती का मामला होता है ना, तो कितनी ज्यादा तहकीक की उन्होंने, तीसरी बार तहकीक की थी उन्होंने, और मुफ्ती आजम महाराष्ट्र तो कोई हजरत मामूली आलिम थोड़ी थे भाई, आलिम जी
बड़े आलिम थे, बड़े आलिम थे। हम तो उनको मोमिन मुसलमान सुन्नी मानते हैं साहब। तो सही मुसलमान भी थे, अब कोई गलती हो गई हो तो ये अलग बात है, नहीं तो उनके बड़े आलिम होने में क्या कलाम। बिल्कुल साहब, अजल्ला खलीफाओं में से मुफ्ती आलम, अजल्ला मुफ्ती आलम के बड़े आजम आजम अकाबिर अकाबिरी में बड़े खलीफाओं में माने जाते थे। बल्कि सुना मुफ्ती आलम को दौरे भी करवाए थे उन्होंने महाराष्ट्र में। हजरत जमाल रजा साहब ने बताया था, ये अपने जमाल रजा साहब है ना नवासे मुफ्ती आलम हिंद, उन्होंने बताया था। तो हजरत ये है बात के जो आप फरमाना थे, कलीम रजवी ने किस बात से कहा, तो कलीम रजवी कोई इतना बड़ा मुफ्ती या कोई आलिम थोड़ी है। कलीम रजवी से बात करनी चाहिए क्या सीखते, वो फोन नहीं उठा रहा हजरत मेरा, कई बार मैंने लगाया उसको, वो मेरा फोन मेरी आवाज़ सुन के ही काट देता है, समझ लेता है कि अब ये झंझोड़ डालेगा। हजरत वो क्या करता है कलीम रजवी के उसने चैनल, उसके उन्होंने चैनल बना रखे हैं यूट्यूब चैनल, अब ये लेके यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं कोई भी प्रोपेगंडा, तो ऐसा सुना है 1 लाख आदमी अगर देखेंगे सुनेंगे तो उसका 10,000 रुपया इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, 10,000 रुपया घर बैठे। अच्छा, अब बताइए नाजायज कमाई है कि नहीं, ये कोई जायज कमाई है इस तरह से यूट्यूब पे फितने फैला के तुम पैसा कमाओ और अपने आप आलिम बामल बनो, और किसी को गैर मुकल्लद अपने सुन्नी भाई को गैर मुकल्लद बना के कहना कि तू मुझसे अहले हदीस बन के बात कर, मैं तुझे जवाब दूंगा ताकि मैं मशहूर हो जाऊं, क्या ये जायज है इस तरह से किसी सुन्नी को अहले हदीस बना देना फिर उससे फोन करवाना। नहीं नहीं यार, हाँ फाजिल बरेली ने तो लिखा आकाम शरीयत में कि मुनाजरे में भी किसी को देवबंदी नहीं बना सकते हो, सही है कि नहीं। ये सब हजरत ये इतने बाजी में सब समझता हूँ लोगों की, कि जो आदमी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता उसको तो तुम वली बना रहे हो, और जो मस्जिद में नमाज पढ़े उसको तुम जो है कि उसका तुम प्रचार नहीं करते हो। अरे भाई, जो आजकल के पीर है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्डिंगों में जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, उनको तुम बहुत बड़ा वली समझ रहे हो, और जिन्होंने ना नमाजी बना के गए दुनिया से, बस मुरीद बना के चले गए। बड़े पीर साहब फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे कब्रिस्तान में दफन मत करो मुसलमानों के। बड़े पीर साहब ये फरमाते हैं उनके सिलसिले में तुम मुरीद कर रहे हो, नमाजियों को मुरीद करते चले आ रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो कैसे मुरीद सही होंगे इस तरह से। क्या ख्याल है हजरत, आजकल की पीरी मुरीदी का अलग रुख हो गया है जी, आजकल पीरी मुरीदी का अलग अंदाज हो गया है। अरे हजरत, बड़े पीर साहब के फरमान है जो 3 दिन तक नमाज नहीं पढ़ता है उसको कत्ल कर दिया जाए, उन्हें तो तालिबीन में लिखा है, और ये उनके सिलसिले में बेनमाजियों को दड़ाधड़ मुरीद कर रहे हैं, खिलाफतें बांट रहे हैं, खुद खलीफा बनने के लायक नहीं है, दूसरे को खलीफा बना रहे हैं, पजामे टखनों से नीचे पहनते हैं हजरत ये लोग, मिसवाक शरीफ नहीं करते हैं। ये भी आपने देखा होगा, मिसवाक शरीफ करते पजामे नीचे पहनते हैं, उसे जायज बनाते हैं। अरे जब सुन्नत के खिलाफ होगा तो जायज कैसे हो जाएगा। मैंने एक बात मुफ्ती रामजी साहब से भी कही थी एक बार, कैसे तो फैशन में ये भी कह दो दाढ़ी कटाना जायज है और तकब्बुर से हराम है, जैसे पजामे किसी कहते हैं। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए ऐसे उलमा से जो कौम में गुमराही पैदा कर रहे हैं। उलमाए बामल की कदर करने का हुक्म है साहब, उलमाए बामल जो है उनकी जी सही है, जो उलमाए बामल वही है जो मुसलमानों को नमाजी बनाए और हलाल रोजी का पाबंद बनाए। आजकल के पीर तो हलाल रोजी भी नहीं देखते, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं नहीं पूछते कि तू ज़कात निकालता है कि नहीं, तेरी रोजी क्या है। एक बात है हजरत, मैंने सुना है उसकी तस्दीक आप फरमा लें, एक बात का सुना है आप उसके बारे में जरा तस्दीक फरमा दें तो अच्छा, आधा मिनट लगेगा, आधा मिनट क्या। मुफ्ती बदरुद्दीन साहब जो बढ़िया वाले थे बस्ती वाले, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब उनकी कोई दावत करने आया,
तो आपने बताया क्या तुम ज़कात निकालते हो, तो उसने मना किया कि नहीं निकालते, तो कहा कि हर साल की ज़कात निकालो जितनी बाकी है, यानी 20 साल या 15 साल से जब से ज़कात नहीं दी वो तमाम सालों की ज़कात निकालो फिर दावत करना। तो उसने फिर वो सच्चा चाहने वाला था दावत करना थी, उसने तमाम सालों की ज़कात इकट्ठा करके निकाली, तब आपने दावत कबूल फरमाई। हाँ तो वो मुत्तफी थे, मुत्तफी थे। ये आजकल खिलाफत से बांटने वाले तो मस्जिद में नहीं आते पाकिस्तान, और दूसरों को क्या ये नमाजी बनाएंगे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो तो बड़े मोहतात आलिम हजरत मुफ्ती बदरमिल्ला साहब, बदरुद्दीन साहब, मैंने उनके लड़कों को बुलाया था, मुफ्ती जमालुद्दीन साहब और जलालुद्दीन साहब दो लड़के हैं ना उनके, हाँ तफरी में बुलाया अगर ये ललितपुर में, सफीपुर में, और ये शीश वाली कोटा के पास यहाँ भी आए थे, तशरीफ लाए थे। तो वो बता रहे थे कि हमें ही खिलाफत नहीं दी, हमारे वालिद मोहतरम ने दोनों को ही नहीं दी खिलाफत, जलालुद्दीन जमालुद्दीन साहब, तो ये इंदौर वाले अनवार कादरी को कैसे खिलाफत मिल जाएगी। ये इंदौर के जो अनवार कादरी दावा करते हैं ना खलीफा होने का, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये तो अब जगह जगह के खिलाफत है, बाद में इन्होंने जली पैसा दे जाके कहीं खर्चा करके कहीं कुछ करके। एक बार ये हजरत माँ कहते थे अजमेर शरीफ शाह अब्दुल हक साहब का, तो जानते होंगे आप शाह अब्दुल हक साहब जो अजमेर शरीफ में मजार है, आवाज बोल शाह अब्दुल हक साहब को जानते होंगे हजरत आप जो अजमेर शरीफ में रहते थे, शाह अब्दुल हक साहब दोरा जी वाले, आवाज चल रही नहीं आवाज। क्या अब्दुल हक साहब को तो आप जानते हैं अगर धोरा जी गुजरात वाले, क्या शाह अब्दुल हक साहब जो थे ना धोरा जी गुजरात वाले, उनको तो आपने जाने ही हो, मुलाकात हुई होगी। आवाज चल रही है, ये कमरे में हूँ। शाह अब्दुल हक साहब के पास ये अनवार गए थे, अनवार काजी इंदौर वाले, 60 रुपए देके खिलाफत लेने, उस जमाने में तो कहते तेरे दूध के दांत झड़े नहीं है, तू खिलाफत लेने आया। और ये झूठ बोल बोल के अगर ख्वाब बता बता के मुरीद करता रहता है अनवार कादरी, और सबकी दावतें खा लेगा, चुला कुल्ली ये अनवार कादरी इंदौर वाला, दूसरों को कहेगा तुम ऐसा करते हो, दूसरों को अनवार कादरी इंदौर वाले, इंदौर वाले कौन, अनवार अहमद कादरी। अच्छा वो मुफ्ती बदरुद्दीन साहब के खलीफा बताते हैं, जब उनके बेटों ने कहा हमें खिलाफत नहीं है, तो ये ऐसे झूठ को झूठ बोलने वाले आजकल पीढ़ी पीढ़ी करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो हजरत आराम फरमा ले फिर बात कर लेंगे, ठीक है। समझान में आप समझान में